मामला जनपद आगरा के थाना कागरौल का है। शनिवार को एक ट्रक दुर्घटना में एक बालक की मौत हो गई थी। रविवार दोपहर थाना कागरौल क्षेत्र में मासूम बच्चे के शव को आगरा से जगनेर जाने वाले मार्ग पर रख दिया गया और दिव्यांग दंपत्ति ने जाम लगा दिया। दिव्यांग दंपत्ति के सहयोग में दिव्यांग यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर दिव्यांग पति पत्नी के साथ धरना प्रदर्शन में सहयोग किया। दंपत्ति के साथ जमकर नारेबाजी हुई। यूनियन ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान भी उठाए, साथ ही दिव्यांग दंपत्ति को मुआवजा राशि दिलाए जाने का आश्वासन मांगा और प्रदर्शन समाप्त करने की बात कही, जिस पर प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दिव्यांग यूनियन के जिला अध्यक्ष ने SDM नीरज शर्मा खैरागढ़ से बात की और जाम खुलवाया। रविवार को आगरा जगनेर मार्ग पर भारतीय दिव्यांग यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शमीना उस्मानी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। दिव्यांग दंपत्ति के साथ शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन पर बैठे कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा कि दिव्यांग दंपत्ति का अकेला सहारा उनका 2.5 वर्षीय बेटा ही था, जो बड़े होकर उनका सहारा बनता। उसकी मौत से परिवार सदमे में है। पुलिस प्रशासन ने दर्ज FIR में चालक का नाम तक नहीं खोला है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि प्रशासन दिव्यांग दंपत्ति को मुआवजा दिलाए जाने के लिए ठोस आश्वासन दे। लगातार दिव्यांग यूनियन के कार्यकर्ता शासन और प्रशासन को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। जो कागरौल में घटना घटी है, इसके बारे में कुछ बताएं। आज कल घटना है, हमारे बुजुर्ग वाली है, उसी शिक्षा है 3 साल का, उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हुआ। बाकी में बहुत दुर्घट घटना है और घटना है, और हम जो प्रशासक हम सरकार और हम सब क्योंकि इनकी बच्ची का निधन हुआ है एक्सीडेंट में, वो दोनों माँ बाप विकलांग थे और उनकी सेवा करने के लिए ये माँ का सहारा बनता जा रहा था, लेकिन दुर्घटना घटना है कि आज एक्सीडेंट में निधन हो गया। सरकार और हम सब कुमार के साथ में है, साथ में है, और साथ ही जो सरकार द्वारा माननीय लेटर लिखा है, मैं उसको समझा करके सरकार बताने का। शोक संतप्त परिवार को मदद के तौर पे क्या सहायता राशि मिल सकती है? शोक संतप्त परिवार को जैसे जिन साहब ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री विकल्प से 2 लाख से निकाल रहता है, वो यहाँ से जो भेजा जाएगा उसको मैं परसों करके जितना भी कानून दायरे में रह करके जो मजबूती है। जिस तरह से ये विकलांग हैं और इनकी फॉर्मेलिटी करने के लिए इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो इनके लिए कोई ऐसा विकल्प बताया जाए जो इनको घर बैठे काम हो जाए। और हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं देवेंद्र जी, ये भी साथ में हैं, इनके द्वारा हम लोग को मैक्सिमम जगह कहीं जाना आना पड़ा, फॉर्मेलिटी हुई सारी उपचार तक करा करके मैं यहाँ से लेकर लखनऊ तक मैक्सिमम जाकर करने का। धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र सिंह सविता है, मैं भाजपा का जिला संयोजक हूँ, दिव्यांग प्रकोष्ठ हूँ और भारतीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ दिव्यांगों का। अध्यक्ष जी, जो कल एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद SDM साहब ने विवेकाधीन कोष के से सहायता दिलाने की बात कही थी, उसके बाद ये जाम खुला था, फिर आज जाम क्यों लगाया गया, इसका क्या? जाम इसलिए लगाया गया कि मुझे आज तुरंत सूचना मिली मौके पर, हमारे यहाँ LMCO का इंटरव्यू चल रहा था दिव्यांगों का, ये कहा कि उनसे कुछ सुविधा नहीं मिल पाई, हम दोबारा से जाम लगा रहे हैं। ये दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, पति पत्नी, उनका एक ही बेटा था जो सारा, उन्हें कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं मिल पाया। तो मेरी अभी विधायक जी से बात हुई है, अभी अभी फिर SDM साहब आए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, अभी तुरंत मतलब दिव्यांग हमारे ये चाह रहे हैं कि हम दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, कहाँ भटकेंगे, कहाँ न्याय की मांग मांगेंगे, ये मौके पर तुरंत जो हो तो तुरंत कम से कम सहयोग हो जाए जो अपना कर सके। क्या 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 सहायता चाहते हैं? अब सहायता देखिए, अब जो बता रहे हैं कुछ पोस्ट से आता है, अगर विधायक जी अटेंड कर लेते हैं तो 8 लाख के ऊपर जाता है, नहीं भी करते हैं तो 2 लाख की राशि है। तो अभी माननीय विधायक जी आ रहे हैं, राइटियन साहब महोदय मौके पर है ही, देखो अभी क्लियर नहीं हुआ है, कोई संतोष जवाब क्लियर नहीं हुआ है। दिव्यांग भाई हम समझाए हुए हैं, उनको बताए हुए हैं भाई, शासन प्रशासन का मृतक देवराज के माता पिता भी विकलांग हैं, उनके साथ कहां कहां से विकलांग लोगों ने सहयोग के लिए यहां मौके पर पहुंचे हैं? पूरे मौके हाथरस से भी हैं, आगरा से भी हैं, बहा उधर खेरागढ़ कई जिलों से लोग आए हैं, पूरा विकलांग यूनियन मेरे साथ है, पूरा दिव्यांग हमारे साथ है। तो हम ये चाह रहे हैं संतुष्ट जनक शासन प्रशासन से हमारा सहयोग और जवाब हमें संतुष्ट मिल जाए, जिससे हमारे दिव्यांग से उनको संतुष्ट जवाब। अभी विधायक जी आ रहे हैं मलपुरा क्रॉस किया, ये बताया।